कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा जैसा कि बताया जाता है और उससे उनकी मृत्यु हो गई। समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। इनके कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था, वो अंत अब हो गया। देखिए अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत ख़राब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहाँ जो चिकित्सा टीम थी, बताया जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा जैसा कि बताया जाता है और उससे उनकी मृत्यु हो गई। देखिए मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था, और मुझे याद है ज़्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे, दो माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए जो, और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, वो कहाँ है आता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मुझ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी, पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर हम जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो ये तो करीब 3 दशकों से मतलब चले आ रहे थे और इनके कुकर्मों का एक ना एक दिन तो अंत होना ही था, वो अंत अब हो गया। और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक एक लाइफ टाइम है, एक एक, एक स्पैन है, इतने दिन आप चलेंगे उसके बाद तो आपको ख़त्म होना ही है और आपका भंडाफोड़ भी होना है। आतंकवादियों का भी यही होता है, 2 से 4 साल तक उनकी लाइफ रहती है, उसके बाद कब पकड़ जाए कब ख़त्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं।